कॉमेडियन वीर दास अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं। वीर ने वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपने परफॉर्मेंस का वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। वीर ने इस 6 मिनट के वीडियो में अमेरिका के लोगों के सामने भारत के लोगों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। वीर के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। उन पर मुंबई में FIR भी दर्ज की गई है। विवाद बढ़ने के बाद वीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अब माफी भी मांगी है। उनका कहना है कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। इसके एक कॉपी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की है। इसके कैप्शन में लिखा है कि मैंने कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ मुंबई पुलिस में अमेरिका में भारत की छवि खराब करने का लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जो भड़काऊ है। उन्होंने जानबूझकर भारत, भारतीय महिलाओं और भारत के पीएम के खिलाफ उकसाने वाले और अपमानजनक बयान दिया है।